तार से दूर हो ना। बटन बंद है। डब्बा कहाँ है? ये ना बारिश का पानी तो रुकेगा। अरे होल्डर तो पकड़, इसमें से निकाल के। इससे पानी रुक जाएगा, होल से जाएगा नहीं पानी। होल को भी बंद करेंगे ना किसी चीज से। एमसील नहीं है अपने पास। वो है ना वो वाइट डिफ्यूजर जो लाए, एक वो लाई नहीं है एडहेसिव चिपकाने के लिए। लिक्विड थोड़ी भरेंगे इसमें, इसमें कोई ठोस चीज चाहिए ना, एमसील जैसी चीज। फिर ले आते हो अभी। क्ले वगैरह कुछ नहीं है नया होल्डर को? मच्छरों ने पूरा हाल कर रखा। सुई की तरह चुभता है, इतना तेज काटते हैं। एमसील लगानी जरूरी नहीं तो उसमें भी पानी घुस जाएगा। नहीं समझे? हाँ। नहीं समझे ना? कहाँ से नोटरी बनवा के दोगे? समझ गए। लाउड से ने कहा था समझ गए ना तो परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कैसे लोग बोलते हैं हमें बात समझ में आ गई, पर वेरीफाई कैसे करोगे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो जब एमसील आ जाएगी तो तुम समझ जाओगे कि मैं समझ गया। हाँ, पर एमसील की जरूरत तो आज है, बारिश होने से पहले है। अब तुम्हारे बीच में रेस लगेगी कि बारिश पहले होती है या एमसील पहले आती है। प्रॉब्लम है कि सीढ़ी चली जाएगी। हाँ ये भी है। नहीं, ये एमसील तो चलो उससे भी लगा देंगे, कुर्सी से। रहने दे। कर दी ना गड़बड़। क्या हो गया? इसको होल्डर पे लगाया ये भी पीछे वाला। मच्छर दिख भी नहीं रहे फिर भी काट रहे। ये टैलेंटेड मच्छर हैं ये। दूर से देख के काट लेते हैं। हाँ, पूरा अपना होमवर्क करके आते हैं ये। सनसेट होने लग रहा है अभी। कहाँ भी तो एक घंटा लगेगा सनसेट होने में। 6 बज गए सवा से। बीच जाना यार, मैं तो कितने टाइम हो गया, मैं गोवा के तो बीच देखा ही नहीं है। कल चलते। देखो कितनी सारी जगह काट गया मुझे। तो मछली पकड़ रहे हैं? कौन है? पता नहीं, बस बस कर रहे हैं। इतना नीचे गए चाहिए, हवा से आ गई ना पानी। रस्सी खुल गई ना जो बांध दी थी। ये तार वो है ना जो बाहर हट में भी लाइट जा रही है, वही है।
सुबह डोरा भी भांग दे रही थी डोड़ों के साथ। इसका भी डोड़ों की तरह शुरू हो गया, सुबह जाती है और अभी ये दोपहर तक आ जाती है। गड़बड़ कब होती है, सारी मेहनत करने मालूम पड़ेगी कोई चीज रह गई और उसके लिए फिर सब खोलना पड़ेगा। अब ये तो लगने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आपने सही लगाया गलत लगाया। इतनी तेज सनलाइट पड़ रही है ना फेस पे तुम्हारे, ये फेस या तो व्हाइट दिख रहा है या पूरा ब्लैक। ये हमने पिछले साल लगाया था ना, पिछले साल लगाया था ना बल्ब यहाँ पे मानसून में, या इसी साल लगा? इसी साल लगा शायद, इसी साल लगा। हाँ भैया लाइट लगा हो, बारिश में गीला हो जाता ना, रात को आने जाने में दिक्कत होता है। ये हम कितना पिघल, ये फिश लगा रखे इसमें। हाँ उसमें एक केकड़ा खाने को आता है। हाँ मैं पद से आता है। हाँ फोटो निकालेगा राधिका से। हाँ हाँ कई सारे केकड़े आते होंगे ना, कई सारे आते होंगे ना केकड़े। हाँ बहुत बहुत, सुबह अभी मैं आया था एक घंटा पहले फिशिंग में केकड़ा निकाला। अच्छा तीन बड़ा बड़ा गया फिशिंग में ऊपर नहीं, उसमें ज़रा आता था। अच्छा। अभी आएगा क्रैब? अभी एक आधा घंटे में। अच्छा तभी आएगा, इससे पहले भी जब बाजू में आएगा आएगा। हाँ शाम को इसमें ये पंगा है, इसे पानी भरा नहीं। मैं अमशल अभी जा तो जाके क्योंकि जैसे इसमें पानी भरेगा ना तो इसकी गम छूट जाएगी, समझ रही हो? समझ रही हो? समझ रही हो? इसकी तो प्लास्टिक लगा दी जाएगा, फिर भी होल तो करना ही पड़ेगा, होल तार निकालने के लिए स्पेस तो देने पड़ेगा, रोशनी उतनी कम हो जाएगी ना। अगर तार को ऐसे नीचे करके बांधे और फिर पन्नी को चार तब फिर नहीं अंदर जाएगा। ओए क्या दिमाग की बात करी है भाई साहब, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। रबड़ लग जाती ना, टेप भी तो है, टेप तो फिर पानी से गल के छूट जाएगी। लाओ रबड़, रहन दे चूटी की रबड़ लगा देंगे बढ़िया क्वालिटी वाली। कुर्बानी अपनी रबड़ दे, एक ही राउंड लगेगा ठीक है, क्योंकि पानी नीचे भेजेगा भरेगा थोड़ी, फिर अभी टेढ़ा रहेगा बल्ब, एक और होना चाहिए ऊपर। क्या
एक ऐसे करके ना इसको ऐसे सीधा कर दो, नहीं तो बल्ब ऐसे ऐसे रहेगा लैंप की तरह। तुम मच्छर भी उड़ाते थे ना साथ में? नहीं कर सकती, मेरे को काट रहे, मैं अपना उसको कुछ नहीं कर पा रही। इतनी सी बचा के क्या कर लिया? बची का वो है ही नहीं कुछ, उसमें गत्ता लगा हुआ है। अब ये हो गया हमारा वाटरप्रूफ होल्डर बल्ब। दे बारिश देखो इससे कोई, तुम अचानक से खींच लिया, मेरे खाल में फंस गया था बल्ब, तेरे खाल में फंस गया। अरे इस अंगूठे के वहां पे, हाँ वैसे गिरा। अब एक और कहानी फंस गई, आपने ताप जाम तो कर लिया, बल्ब लगेगा कैसे? पहले बल्ब लगा के फिर खींचना चाहिए था। लग गया? अब ये बल्ब लग गया, ये लटकेगा सीधा होके? हाँ हाँ लटक जाएगा, वो इतनी बड़ी थी, इस तार को बांधना पड़ेगा। संभाल के मैं पत्ता खींचती हूँ, तुम तार ऊपर से निकाल। रुक जा, वो पत्ता खींच नहीं सकते, बस बस बस, ये तीन तीन ही पत्ते खींचे हैं, ये तीन हाँ और ये दो, बस इसकी वजह से वो तोड़ दो। क्या चीज? क्या दू? अरे ये पहनी होता ना, ये टहनी कैसे हटाऊंगी? हाथ नहीं जरा ना, अब कैसे तो घुसना पड़ गया गंदे उसमें। बहुत है ना, बस इसका मुंह इधर किधर रखो। हट जाएगा वो, कोई धागा वगैरह है तो कुछ नहीं, खुल जाएगा। टेप कैसे जोड़े? हाँ ना, इसको यहाँ बांधने के लिए चाहिए ना कुछ, कोई तार वार, कुछ छोटा सा, कोई धागे की टुकड़ा वुकड़ा कुछ नहीं है तो इसके अंदर तो नहीं जाएगा ना। बल्ब के ऊपर लगेगा तो कोई दिक्कत है? बल्ब के ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा से हिलेगा, हवा से हिलेगा, कुछ भी होगा, ऊपर से पानी नहीं आना चाहिए, पानी ऐसे अंदर को तो जाएगा नहीं ऊपर तक है। ये हमारी दोनों बिल्लियां तो यहाँ घूम रही हैं, आजाद पंछी हैं वो। एक बोरी वो डोरा देखो, उसको पैर में कुछ फर्क पड़ रहा है, देखते हैं। रख दो, हाँ पर रख लो अंदर, अपने आप ले जाएंगे अंदर। हाँ घर के बाहर रख दे तो फोन कर दे, फोन कर दे। हाँ Thank you.
जाके देख उधर गुल्लक गुल्लक नहीं जाएगा। जल गया।